जय हिंद साथियों। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट, ट्राई सिटी टुडे ने एक जांच पड़ताल की जिसमें जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक ज़मीन पर बड़े माफियाओं की नज़र है। सरकार को इससे जो कई करोड़ का नुकसान है वो हो सकता है। ये बड़ी अपडेट है जेवर एयरपोर्ट से। तो देखिए, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए अधिसूचित एरिया के 6 गांव के ज़मीन पर बनने वाले कार्गो टर्मिनल और एमआरओ के लिए अधिग्रहण की जाने वाली ज़मीन पर बड़ा खेल खेला जा रहा है। बड़े बड़े माफियाओं की नज़र इन गांव की ज़मीन पर लगी हुई है। जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मोटे मुआवजे और अन्य सुविधा पाने के लिए जो माफिया हैं वो यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। इन गांव में ज़मीन की जो खरीद फरोख है वो बढ़ी है। सरकारी अधिकारियों से लेकर बड़े सफ़ेदपोश नेता अपने नौकर सगे संबंधी के नाम 10 वर्ग मीटर से लेकर 1000 वर्ग मीटर तक ज़मीन खाल जो है वो खरीद रहे हैं। जेवर रजिस्ट्रार दफ्तर से पता चला है कि सबसे अधिक ज़मीन खरीद कुरैब ध्यानपुर समेत 3 गाँव में हो रही है। और यहाँ तक पता चला है कि नाबालिग और बालिग होने का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर ज़मीन खरीदी जा रही है, जिससे अलग अलग परिवार दिखाकर मुआवजे का 5.5 लाख रुपए धनराशि व अन्य सुविधाएं ली जा सकें। ट्राई जो सिटी टुडे ने पड़ताल की, एक सप्ताह पहले डीएम ने दूसरे चरण के इन गांवों करौली बांगर ध्यानपुर कुरैव रनहरा मुडरा बीरमपुर में ज़मीन की खरीद फरोख पर रोक लगाने की बात ट्राई सिटी टुडे से कही थी। इस मामले में ट्राई सिटी टुडे ने पड़ताल की जिसमें पता चला कि यह खेल डीएम की ओर से रोक लगाने के बावजूद जो है वो मतलब नियंत्रण जो है वो बावजूद नियंत्रण जो है वो मतलब जारी है, जबकि इन गाँव में ऐसा ये सामाजिक समाघात निर्धारण गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की ओर से किया जा चुका है। सरकार को झेलना होगा करोड़ों का नुकसान। तो इससे जो ये जो खेल खेला जा रहा है इससे जो करोड़ों का नुकसान है सरकार को हो सकता है भैया।